बेमेतरा में महिला स्व सहायता समूह कार्यकर्ता कर्ज माफी की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। बेमेतरा में महिला स्व सहायता समूह कार्यकर्ता कर्ज माफी की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्टर जन दर्शन में उपस्थित होकर कर्ज माफी की मांग किए। पूरा मामला बेमेतरा जिले के जिला मुख्यालय का है, जहां आधे दर्जन भर महिला स्व सहायता समूह कार्यकर्ता कर्ज माफी को लेकर कलेक्टर जन दर्शन पहुंचे, जहां कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर कर्ज माफी की मांग की। महिला स्व सहायता कार्यकर्ताओं ने बताया कि समूह बनाकर मिठाई डब्बा, डिटर्जेंट पाउडर, फिनाइल, अगरबत्ती, दोना पत्तल, निर्माण कार्य, दुकान जैसी लघु व्यवसाय के लिए ऋण लिए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष तीज पर्व पर महिला स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी की घोषणा किए। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक हम लोगों का कर्ज माफ नहीं किया गया है, जिसको लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे हैं और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा कर्ज जल्द से जल्द माफ किया जाए। समूह वाले हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि समूह वालों का लोन माफ होगा करके, तो हम लोग अपना लोन माफ करवाने के लिए आए हैं। सबका हो गया है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का भी लाभ नहीं मिला है। समूह वालों को बोले थे कि जो काम करेंगे उसको लोन माफ होगा करके। किस व्यवसाय किया हम लोग दोना पत्तल का काम करते हैं। हम लोग लोन उठाए थे अपना व्यवसाय कराए करके, बहुत सारे समूह वाले हैं, लेकिन हम लोग का लोन माफ नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए थे। अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ है, यही हमारी समस्या है। हमारा कर्जा माफ हो जाए, यही चाहते हैं हम लोग। बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।